Hello students, I welcome you all to exam B. I'm your host Anshuman, your English faculty. Students, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में. देखिए, आपका अभी जो IBMTS 2023 Tier 2 का जो अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, स्पेशली फॉर द पोस्ट MTS, ठीक है, तो उसमें आपका जो क्या है, इंग्लिश का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. ठीक है, इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं. देखिए, सो सिलेबस फॉर टीयर टू एमटीएस जनरल, IBMTS जनरल, ये जो दो पोस्ट है आपकी, ठीक है, तो इसमें आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, बिकॉज एज यू कैन सी हियर, देखिए टीयर वन में आपका जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, तो वो इसी के आधार पर बनेगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इस टीयर टू के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे. राइट, सी, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस जनरल द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर वन एग्जाम अलोन. ठीक है, सो टीयर वन एग्जाम के आधार पर ही आपके जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी बनेगी. राइट, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट, देखिए एक शर्त है, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन टीयर टू एग्जाम, दैट मीन्स इफ यू फेल टू पास इन दिस एग्जाम, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, योर नेम विल नॉट कम इन द मेरिट लिस्ट. ठीक है, आप शायद पास हुए हो उसमें या नहीं हो, ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. राइट, तो इस पर्सपेक्टिव से आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेकिन देखिए टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है. क्या टेस्ट किया जाएगा इसमें, टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराग्राफ राइटिंग इन 150 वर्ड्स. सो डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ यहां पर कराया जाएगा. ठीक है, आज ये जो फर्स्ट वीडियो निकली है इस पर बेस्ड, ठीक है, तो इन द अपकमिंग डेज, ठीक है, तो मैं और भी वीडियोज लाता रहूंगा इस पर. ठीक है, आज हम बेसिकली क्या करेंगे, देखिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा इस टेस्ट में. ठीक है, टीयर टू में फॉर एमटीएस जनरल आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पर बेस. ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा और पैराग्राफ राइटिंग आपका आएगा 150 वर्ड्स का. ठीक है, मार्क्स रहेंगे आपके कितने, देखिए मार्क्स रहेंगे आपके 50, टाइम आपको दिया जाएगा 1 आवर का. ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके 20. राइट, सो टीयर टू एग्जाम विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विद क्वालिफाइंग मार्क्स 20, टोटल मार्क्स हैं आपके 50, तो देखिए बहुत आसान है, आपके आ सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड व्हाट, ये सारे चीजें आपकी कवर होनी चाहिए तो. ठीक है, सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आता तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पास दिस, क्वालिफाई दिस एग्जाम. राइट, सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आप वाकिफ होने चाहिए कि बेसिक्स क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सब कुछ यहां पर कराया जाएगा. ठीक है, आज हम बेसिक्स देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के. एंड हर एक वीडियो के लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं टेलीग्राम लिंक का चैनल प्रोवाइडेड होगा आपको, तो वहां पर जाके आप जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, वो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग दोस पीडीएफ्स, यू कैन फाइंड यू नो थ्रू द टेलीग्राम लिंक देयर. ठीक है, सो अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज फाइंड आउट द टेलीग्राम लिंक, वहां से ज्वाइन करके यू कैन फाइंड आउट द पीडीएफ फाइल. राइट, द नोट्स, वोकैबुलरी आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग. ठीक है, वोकैबुलरी बोले तो आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, एंड इट्स करेक्ट यूजेज. तो एक वर्ड सीखेंगे उसके कितने सिनोनिम्स हैं, कितने एंटोनिम्स हैं, ये आपको आना चाहिए. ठीक है, करेक्ट ग्रामर, ठीक है, जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो आपको आने जरूर चाहिए. ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए पैराग्राफ राइटिंग आपको अगर आएगा तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होने चाहिए, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चर क्या सेंटेंसेस का होता है, ये आपको जानना जरूरी है. ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, आई मीन इन दिस सीरीज ऑफ द वीडियो. ठीक है, जो मैं कराऊंगा यहां पर. ठीक है, तो आज जो ये फर्स्ट वीडियो है इसमें हम बेसिक सीखेंगे ग्रामर के. ठीक है, तो जब हम बेसिक्स पर आते हैं ग्रामर के, ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का आधार जो सबसे बेसिक होता है वो आपका अल्फाबेट होता है, लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, जेड तक इंग्लिश में, ये सबको आता है. ठीक है, ये तो सबको आता है. राइट, अब जब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है, तब लेटर्स आपका बनाता है एक शब्द, है ना, उसे हम कहते हैं वर्ड.
राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अंशुमान, है ना. तो ये जो मेरा नाम है इन इटसेल्फ इज अ वर्ड. ठीक है, मैंने कहा क्या इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये जो एक वर्ड है देखिए लेटर से मिलकर के बना है, तो ये अपने आप में एक शब्द हो गया. ठीक है, तो फिर हम आते हैं जब बेसिकली हम बात करते हैं, हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की. पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी मैं जो कह रहा हूं या जो लिखता हूं उसके हिस्से. राइट, सो मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस मैंने लिखा, चलिए स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए. राइट, सो क्या सेंटेंस हम लिख सकते हैं बताइए, चूज, आप भी अपना ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, ठीक है, इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, राइट, मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश की थोड़ा सा हम तारीफ जरूर करेंगे. ठीक है, सो इंग्लिश इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, मैंने ये कहा. ठीक है, अच्छा ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, दिस इज कॉल्ड योर सेंटेंस. कितने वर्ड्स हैं सेंटेंस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वर्ड से मिलकर के ये सेंटेंस बना है. ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ग्रेट. अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये मैंने हटा दिया, पर ये इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज. कुछ समझ में आया क्या आपको, आपको बस इतना ही समझ में आया कि कुछ चीज है जो बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है, लेकिन वो चीज क्या है जो ब्यूटिफुल है, वो क्या चीज है. पहले आपको पता था वो इंग्लिश है, लेकिन क्या अगर ऐसा सेंटेंस आप किसी के सामने दें या ऐसा कुछ बोलें तो क्या उसे समझ में आएगा कि क्या ब्यूटिफुल है, नहीं. इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं उस चीज का नाम लेता हूं कि हां इंग्लिश, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा वो क्या चीज है जो ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है. ठीक है, तो यहां पर देखा क्या इंग्लिश एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, है ना. अब इस वर्ड का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक इंपॉर्टेंस है कि ये चीज हमें बताता है एक लैंग्वेज का नाम कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ इंग्लिश मुझे किसी नाम के बारे में बताता है, है ना, नेम के बारे में बताता है. ठीक है, अच्छा फाइन. अभी मैं क्या करता हूं, एक सेकेंड जो यहां पर वर्ड है मैं इसे मिटा देता हूं. अब बताइए इंग्लिश द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, क्या आप कह रहे हैं कि इंग्लिश जो क्या है ब्यूटिफुल लैंग्वेज, इंग्लिश सबसे ब्यूटिफुल लैंग्वेज, क्या क्या है. हिंदी में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ इंग्लिश एक ब्यूटिफुल लैंग्वेज है यानी एग्जिस्टेंस में है. ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है यानी क्या इस अगर आप लिखें तब समझ में आएगा कि हाँ इंग्लिश इज, इंग्लिश है क्या द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज. तो यानी इज मुझे क्या बता रहा है, एक होने का एहसास बता रहा है, अबाउट एन एग्जिस्टेंस, है ना. तो मैं कह सकता हूं कि इज मुझे बता रहा है एक स्टेट, राइट, होने का एक स्टेट, होने की एक प्रक्रिया, एग्जिस्टेंस. समझ में आ रहा है ना. ठीक है, जितना आसान हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल द को हम रहने देंगे क्योंकि स्टार्टर्स जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. ठीक है, द का अपना एक सिग्निफिकेंस है बताने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे. मोस्ट, है ना, मोस्ट, मैंने कहा मोस्ट. ठीक है, इंग्लिश इज द मोस्ट. ठीक है, मैं हटा देता हूं मोस्ट को यहां पर. ठीक है, मैंने मोस्ट को हटा दिया. अब पढ़िए इंग्लिश इज द ब्यूटिफुल लैंग्वेज. ओके, इंग्लिश इज द ब्यूटिफुल लैंग्वेज, लेकिन पहले क्या था, पहले यहां पे एक वर्ड मोस्ट था. तो जब मैंने मोस्ट लगाया था, है ना, इससे पहले जब मोस्ट यहां नहीं था तो क्या बना रहा है सेंटेंस कि हाँ इंग्लिश एक खूबसूरत लैंग्वेज है. लेकिन अभी की इंग्लिश एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है. तो ये मोस्ट क्या है, ये मोस्ट मुझे क्या कर रहा है, ये मोस्ट मुझे बता रहा है बहुत ज्यादा, मोस्ट ब्यूटिफुल. तो मैं कह सकता हूं कि मोस्ट मेरा हो सकता है. ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कौन कितना ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, क्या है. ठीक है, उसके बाद देखिए ब्यूटीफुल. ओके, तो चलिए ब्यूटीफुल यहां हटा देते हैं. आप जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप बोलते हैं ना कि वाह वो लड़की तो ब्यूटीफुल है, वो लड़का तो हैंडसम है, तो क्या मतलब उसका होता है. इंग्लिश इज द मोस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सबसे ज्यादा लैंग्वेज है. क्या ये कुछ सेंस बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं बना रहा है. अगर मैं कहूं कि हाँ इंग्लिश इज द लैंग्वेज तो समझ में आ रहा है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बट मोस्ट क्या, इंग्लिश सबसे ज्यादा क्या है. ठीक है, तो देखिए मैंने लगाया ब्यूटिफुल, यानी यहां पर कहीं ना कहीं मुझे विशेषता के बारे में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ब्यूटिफुल, है ना. तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिटी,
राइट, क्वालिटी है ना। फिर लैंग्वेज लास्ट में देखिए, मैं हटा देता हूं लैंग्वेज, है ना। ओके, इंग्लिश इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, इंग्लिश सबसे ज्यादा खूबसूरत। क्या खूबसूरत? क्या क्या इंग्लिश कोई लड़की है? क्या इंग्लिश कोई खूबसूरत लड़की है? क्या इंग्लिश कोई खूबसूरत जगह है? What? है ना, तो मुझे कुछ तो लगाना है ना, कुछ तो मुझे बताना है कि इंग्लिश एक खूबसूरत क्या है। तो मैंने लगाया लैंग्वेज, कहा ना लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज व्हाट? इट्स अ नाउन अगेन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, नाउन। अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल आसान शब्दों में मैं लिखूंगा, जैसे यहां पर लिखा नेम, तो मैं भी कहूंगा नेम, ठीक है ना। लैंग्वेज, आप कुछ बोलते हैं तो उस एक पर्टिकुलर वेरिएशन को, कुछ सब शब्दों को, डायलेक्ट को, एक्सेंट को साथ में मिलकर के वो एक लैंग्वेज बनाता है, राइट। तो देखिए, ये वर्ड मुझे नेम के बारे में बताया, इसने मुझे एक स्टेट के बारे में बताया, इसने मुझे यू नो एक डिटरमाइन किया कि हाँ वो कितना ज्यादा है, इसने मुझे क्वालिटी, एक विशेषता के बारे में बताया, इसने मुझे फिर से एक नेम के बारे में बताया, ठीक है। तो यही होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। इसीलिए देखा कि हर बार मैंने एक एक वर्ड को यहां पर रिमूव किया, क्योंकि हर एक वर्ड एक स्मॉलेस्ट क्या है, जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जो एक छोटा सा वर्ड है, वो अपने आप में ही एक पार्ट है स्पीच का। एक पूरे सेंटेंस का जो छोटा सा हिस्सा है, वही पार्ट ऑफ स्पीच है। इंग्लिश एक पार्ट ऑफ स्पीच है, इज एक पार्ट ऑफ स्पीच है, द एक पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट। वैसे ही मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, तीनों स्मॉलेस्ट यूनिट है एक सेंटेंस के, यानी पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ये पहला आपको समझ में आया? ठीक है, आया तो हाँ लिखिए चैट बॉक्स में, ठीक है, और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Has its own role or function. देखा ना, role और function हम लोगों ने देखा ना, English जब हटाया तो समझ नहीं आया, is जब हटाया तो कुछ ना कुछ कमी लगी, ठीक है। मैंने most हटाया तो कहीं ना कहीं मेरे बोलने का जो एक वेटेज था वो कम हुआ, ठीक है। beautiful जब मैंने हटाया तो समझ नहीं आया, language जब हटाया तो बिल्कुल समझ नहीं आया, राइट। तो ये क्या है, देखिए, has its own role or function, यानी हर एक वर्ड, वो जो हर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका अपना अपना रोल और अपना अपना फंक्शन है। आपकी फैमिली में आपके फादर अर्न करते हैं, आपकी मदर यू नो आपको नर्स करती है, केयर करती है, राइट। जनरली इंडियन हाउसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। आपका काम क्या है? आपका काम है अच्छे से पढ़ना, अच्छी जॉब लगना, और फिर बाद में अपने पेरेंट्स की केयर करना, राइट। सो इन अ फैमिली एज वेल, ईच डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैज इट्स ओन फंक्शंस, ओन रूल, सॉरी ओन रोल, है ना। तो क्या है, फादर का अपना एक रोल है, मदर का अपना एक रोल है, ठीक है, ब्रदर का अपना एक रोल है, सिस्टर का अपना एक रोल है, आपका अपना रोल है ना। अगर इसमें से कोई भी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जो एक फैमिली होती है वो बिखर सकती है ना। फैमिली कोई सेंस नहीं बनाएगी, राइट। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लैंग्वेज भी, parts of speech be just like a family, right? Just like the importance each member of a family has, in the same way each part of speech has its own significance. समझ में आया? ठीक है? Okay, great. Can have multiple functions. Okay, अब multiple functions का क्या मतलब है? चलिए एक example देते हैं, ठीक है? Multiple functions का. Okay. तो चलिए जरा इसे हटा देते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए मैंने हटा दिया, अभी देखते हैं क्या ना मल्टीपल फंक्शंस का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं, मैंने कहा कोविड, है ना, कोविड 19 हैड एडवर्स इंपैक्ट्स ऑन अस, ठीक है, कोविड 19 हैड एडवर्स इंपैक्ट्स ऑन अस। मैंने दूसरे एक सेंस में मैं कहता हूं इसे, कोविड 19 impacts you adversely, ठीक है। देखिए मैंने कहा COVID-19 had adverse impact on us, कि COVID-19 के बुरे प्रभाव पड़े थे हम पर, है ना, कि COVID-19 had adverse impacts on us। तो आप ये शब्द देख रहे हैं, impacts, है ना। आप बताइए कमेंट्स में बताइए impacts है क्या, क्या इंपैक्ट्स क्या है, क्या हो सकता है इंपैक्ट्स, एक नाम हो सकता है कि क्या हो सकता है। देखिए कोविड 19 हैड एडवर्स, है ना, कोविड 19 के बुरे डैश रहे थे हम पर, क्या बुरे रहे थे, उसका नाम क्या है, वो जो बुरा था या जो हार्मफुल था, उसका नाम है इंपैक्ट्स, यानी ये इंपैक्ट्स यहां पर है एक नेम,
है ना। फिर COVID-19 इम्पैक्ट्स यू एडवर्सली या बैडली, COVID-19 आपको बुरी तरीके से प्रभावित करता है, समझ में आ रहा है? प्रभाव एंड प्रभावित, दो शब्द है हिंदी के, प्रभाव और प्रभावित। यहां पर क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट्स, क्या नाम है? नहीं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो COVID-19 है, जो एक नाम है, वो कुछ कर रहा है आपको, कुछ कर रहा है यानी एक्शन। याद आया, जैसे वो स्टेट था वैसे ही एक्शन, यहां पर कुछ कार्य हो रहा है, COVID-19 कुछ कर रहा है, इम्पैक्ट्स यू, इम्पैक्टिंग यू यानी प्रभाव आपको कर रहा है। तो आपने देखा क्या, एक ही शब्द था, एक ही शब्द था, है ना, लेकिन एक ही शब्द था, लेकिन क्या, देखिए यहां पर भी इंपैक्ट्स और यहां पर भी इंपैक्ट्स, लेकिन इसका अलग अलग फंक्शन था। पहले सेंटेंस में ये मुझे नाम बता रहा था, सेकेंड सेंटेंस में यह मुझे एक एक्शन के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो यहां पर देखा, ये भी समझ में आया। ठीक है, तो तीनों समझ में आया कि कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, तो ये थे आपके की पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, जिसको बिल्कुल नहीं पता था, तो आई होप कि अब आपको अच्छे से पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, और जिसको पता था, आई होप थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथन हुआ होगा कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हर एक वर्ड का एक सेंटेंस में। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में बताइए कि ये पार्ट आपको किस तरीके से हेल्प किया। ठीक है, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, राइट, एंड हाउ हेल्पफुल वाज दिस फॉर यू। चलिए अब बढ़ेंगे हम कि ठीक है, फैमिली में, हम फैमिली की बात कर रहे थे ना, कि फैमिली की बात, फैमिली में आपके फादर हैं, फैमिली में आपकी मदर हैं, फैमिली में आपके सिस्टर हैं, आपके ब्रदर हैं, आप खुद हैं, हो सकता है आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, हो सकती है आपकी नो नानी भी हो सकती है। ठीक है, सो आपके अंकल भी हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं। सो वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस स्पीच के कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो पार्ट फर्स्ट इज नाउंस। ठीक है, तो 8 या 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। मैंने क्या कहा, 8 एंड 9। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे सेग्रीगेट करें, आप सिंपली 7 भी कह सकते हैं, 8 भी कह सकते हैं, 9 भी कह सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू सेग्रीगेट देम। ठीक है, पहला हम आते हैं नाउंस पर कि नाउंस क्या होते हैं। अच्छा, अब नाउंस क्या होता है, याद आया पिछले वाले सेंटेंसेस जो हमने किए थे, वहां पर इंग्लिश जो शब्द था, क्योंकि वह हमें नाम के बारे में बता रहा था, है ना, तो वो जो इंग्लिश आपका शब्द था वो था आपका नाउन। क्या नाउन होता है, आप में से सपोज किसी का नाम है अभिषेक, किसी का नाम है सपोज पीटर, राइट। सो मैं क्या कहूंगा, हाय पीटर, हाउ आर यू, हेलो अभिषेक, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, मैंने कहा जब मैं आपको अभिषेक या आपको पीटर बुला रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको रेफर कर रहा हूं, है ना, हे पीटर, है ना, डिड यू अंडरस्टैंड इट, हेलो अभिषेक, क्या आपको समझ में आया? तो मैं क्या कर रहा हूं, रेफर कर रहा हूं। ठीक है, ओके, मैंने कहा हाय पीटर, प्लीज अभिषेक को बुला के लाओ। अभी पीटर को कैसे पता चलेगा कि किसको बुलाना है, क्योंकि नाम से पता चलेगा। सो आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए जो शब्द यूज आपके होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नाउन। वो शब्द जो रेफर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इंसान को यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन, राइट। सो व्हाट यू कैन से, बचपन से हम एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एटसेट्रा। सो वही नाउन है, बस मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया कि हाँ, नाउन आपका यूज होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए या रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया। सो व्हाट योर नाउन्स कैन बी, नाउन्स कैन बी व्हाट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव रोहन, राइट, यू हैव जॉन, ठीक है, ये रहे इंसानों के नाम। ठीक है, आपका ग्रीन एक कलर का नाम हो गया, ग्रीन। ठीक है, एक इमोशन की बात करते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है, तो ये हो गया एक इमोशन का नाम, है ना। ठीक है, एक और इमोशन के बारे में बात करते हैं जो सबको आता है आजकल, ठीक है, एंगर, तो ये रहा एक इमोशन का दूसरा नाम। ठीक है, तो ये रहे हमारे नाउंस। ठीक है, देखे हैप्पीनेस, है ना, रेफर करने के लिए यूज होता है कि इमोशन को, राइट, एंगर, राइट, ग्रीन, प्लीज यूज द ग्रीन कलर, राइट, तो आप कौन सा ग्रीन शब्द
कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन सा कलर आप यूज करेंगे, जब आपको पता होगा ग्रीन तभी तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ग्रीन कलर कौन सा है, राइट। मैंने कहा हाँ क्या जॉन तुम्हारा दोस्त है, आप बोलेंगे यस, तभी बोल पाएंगे जब आप किसी जॉन के नाम के व्यक्ति को जानते होंगे, तो बस वही है आपके नाउन्स, राइट। सो व्हाट यू कैन से दैट नाउन्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू नेम अ स्पेसिफिक प्लेस पर्सन ऑब्जेक्ट और एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, राइट। मैंने क्यों कहा कि दैट एग्जिस्ट, यानी हर कोई चीज जो अस्तित्व में है, क्योंकि हम बात करते हैं जब इमोशंस की। मैंने कहा हैप्पीनेस एंगर, तो क्या आपको हैप्पीनेस और एंगर दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन एक तरीके से दिखता भी है। जैसे अभी देखो मैं अभी खुश हूं, है ना, लेकिन मैं गुस्सा भी हो सकता हूं, मैं रो भी सकता हूं, ठीक है, मुझे मैं फ्रस्ट्रेट भी हो सकता हूं, मैं कैसा भी हो सकता हूं, आपको वो दिखता है मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, लेकिन वो जो हैप्पीनेस है वो एक्चुअली क्या है वो आपको नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। जैसे आपको हवा नहीं दिखती है, जैसे आपको ईश्वर नहीं दिखता है, जैसे आपको शैतान नहीं दिखता है, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, हर कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है, अगर आप उसका नाम रखते हैं तो वो नाम कहलाता है नाउन्स, ठीक है। तो अगेन अगर समझ में आया तो वंस अगेन, ठीक है, मुझे बताइए कि कितना ज्यादा आपको ये हेल्प किया, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अभी प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं, प्रोनाउंस क्या है। देखिए नाउन्स, इसमें भी नाउन्स जैसा शब्द कुछ आ रहा है ना, प्रोनाउंस, ठीक है, बस मैंने लगा लिया प्रो। अभी क्या मतलब होता होगा प्रोनाउंस का, सुनने में तो नाउन्स जैसा लग रहा है, तो बस प्रोनाउंस आपका वही होता है जो नाउन होता है, मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, है ना। व्हाट आर योर प्रोनाउंस, टेम्पररी नेम्स, ठीक है, आपका नाम रोहन है, आपका नाम बिनो पीटर है, कुछ भी आपका नाम है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, लेकिन हर बार मैं आपके नाम को नहीं बोलूंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने है जॉन, हाय जॉन हाउ आर यू, जॉन डिड यू ईट योर फूड, जॉन डिड यू लर्न योर लेसन्स, जॉन डिड यू गो टू जॉन्स हाउस, कितना अजीब लगेगा सुनने में, है ना, बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, अगर मुझे पता है कि मैं जॉन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा बताइए, क्या करूंगा, उसको एक टेम्पररी नाम दूंगा जो जॉन जैसा तो नहीं होगा लेकिन जॉन के लिए ही होगा। अब देखिए जॉन जो शब्द है, जॉन जो नाम है, वो एक मेल नेम है ना, तो मैं जॉन के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं ही, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं यू, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं हिम, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं हिज, ये आप शब्द देख रहे हैं, तो ये शब्द अपने आप में एक्चुअली नेम्स हैं, लेकिन कैसे नेम्स हैं, टेम्पररी बेसिस पर, है ना। अगर मैं जॉन से बात कर रहा हूं और मैं यू का इस्तेमाल कर रहा हूं या ही का इस्तेमाल कर रहा हूं, ही नहीं लेकिन यू, है ना, अगर जॉन मेरे सामने खड़ा है, अपने आप को आप जॉन समझ लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर, तो आपके अगर आपके लिए यू का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यू का मतलब है सिर्फ आप यानी जॉन, है ना। लेकिन अगर मैं तीसरे व्यक्ति के सामने बात कर रहा हूं और मैं उसको यू कह रहा हूं, तो अब इस यू का मतलब आप नहीं हो, ये है, डिड यू गेट इट, ठीक है। तो टेम्पररी नेम इसीलिए कहा गया, सेम फंक्शन सेम है, ठीक है, फंक्शन सेम है, आइडेंटिफिकेशन या रेफरेंस, ठीक है, बस थोड़ा अलग हो जाता है। अब क्यों अलग हो जाता है, जब भी काम सेम है, काम सेम है तो क्यों अलग होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है, अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, है ना, अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। मैंने कहा था जॉन का नाम कितनी बार लिया, है ना, जॉन के घर के बारे में बात कर रहा हूं तो जॉन का नाम दोबारा थोड़ी ना लूंगा, मैं कहूंगा ना कि आपका घर या उसका घर, तो इसीलिए नाउन्स का बार बार रिपीटेशन ना हो, इस अजीब यूज को अवॉइड करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं कुछ टेम्पररी नाउन्स जिसे मैं कहलाता हूं क्या, प्रोनाउंस, जिसे मैं कहता हूं प्रोनाउंस। सो डिड यू गेट इट कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट, अपने क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट में आप पूछिए, एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स, ठीक है। अच्छा प्रोनाउंस अभी हम लोगों ने देख लिया, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, क्या है, वर्ब्स। अभी वर्ब्स क्या है, व्हाट आर वर्ब्स, क्या वर्ब्स हैं, ठीक है, एक्शन इन स्टेट, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं यहां पर डांस कर रहा हूं, क्या मैं यहां पर कुछ गा रहा हूं, क्या मैं यहां पर कुछ पढ़ रहा हूं, या क्या मैं यहां पर कुछ पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं
एक्शन वो मेरा कहलाएगा वर्ब, यानी एक क्रिया। समझ में आया? मैंने कहा, क्या कहा मैंने? आज बहुत अच्छा दिन है, राइट? टुडे इज वंडरफुल, राइट? एंड अ प्लीजिंग डे। क्या इसमें कोई क्रिया है? क्या इसमें कोई वर्ब है? हाँ जरूर है, यस है। और वो कौन सी क्रिया है? स्टेट इज। समझ में आया? इज टू बी, आपका अस्तित्व है ना। आप जब सो रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, चाहे आप कुछ ना करें, ना आप खाएं, ना आप पिएं, ना आप सोएं, ना आप डांस करें, ना आप नाचें, ना गाएं, कुछ ना करें, लेकिन आप हैं। आपका अस्तित्व यानी आपका एग्जिस्टेंस, वो भी एक वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो हम एक स्टेट के बारे में बता रहे कि यस यू आर देयर, राइट? यानी अगर बिगनिंग है, अगर अस्तित्व है, तो वो भी क्या है? कुछ ना कुछ एक क्रिया है, राइट? अच्छा, मैंने कहा आई हैव फोर सिबलिंग्स। मैंने कहा मेरे चार भाई बहन है, ठीक है? आई हैव फोर सिबलिंग्स, इसमें क्या कोई वर्ब है? मैंने ये नहीं कहा कि मेरे सिबलिंग्स मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स कुछ कर रहे हैं। आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन मैंने क्या कहा? और ना मैंने कहा कि मैं अपने सिबलिंग्स के साथ बाहर जा रहा हूं, अपने सिबलिंग्स से बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? सिंपली एक फैक्ट बताया कि हाँ, मेरे पास या मेरे चार भाई बहन है, ठीक है? आई हैव फोर सिबलिंग्स। यहां पर नोट किया हैव, है ना? वही काफी है आपके वर्ब के लिए, राइट? यू हैव समथिंग, यू आर समथिंग, ही इज समथिंग, यू विल डू समथिंग, यू और यू विल बी समथिंग, दीज आर ऑल योर वर्ब्स एज वेल। टू बी वर्ब हम इनको कहलाते हैं। समझ में आया? ठीक है, सो ये आपके वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, ठीक है? जो ये नाउन का आपको समझ में आया, ठीक है? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इजी सेंटेंस हम लेंगे, ठीक है? मैंने कहा जॉन इज ए गुड बॉय, ठीक है? मैंने कहा जॉन इज ए गुड बॉय, ठीक है? देखिए कौन एक अच्छा बॉय है, कौन एक अच्छा लड़का है? देखिए जॉन है, उसका नाम क्या है जो एक अच्छा लड़का है? उसका नाम जॉन है, तो जॉन मेरा नाउन हो गया, है ना? प्रोनाउन के बारे में बात करें तो, ठीक है, मैंने लिखा जॉन इज अ गुड बॉय, राइट? जॉन एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है? तो मैंने क्या कहा? ही स्टडीज वेल, वह अच्छे से पढ़ता है, ठीक है? देखिए जॉन एक अच्छा लड़का है, ही स्टडीज वेल, कौन ही? वह अच्छा पढ़ता है। ये ही कौन है भाई? क्या ये ही कोई नया लड़का है, कोई दूसरा व्यक्ति है? नहीं, ये ही यही है जो जॉन है। यानी मैंने क्या किया? दोबारा जॉन लिखने के बजाय मैंने एक नाम यूज किया, ही, जिसे मैं कहलाता हूं, जिसे मैं कहता हूं एक प्रोनाउन, राइट? समझ में आया आप? ठीक है, वर्ब की बात करें तो मैंने कहा ही स्टडीज वेल, जॉन क्या अच्छा करता है, पढ़ता अच्छा है, ही स्टडीज। वो करने का काम क्या है ना? वो क्या है जो वो करता है, जो वो बहुत अच्छे से करता है? तो मैंने कहा ही स्टडीज, वो पढ़ता बहुत अच्छा है, ठीक है? तो स्टडीज आपका होगा क्या? वर्ब, ठीक है? अच्छा, आप क्या है आपके सामने भाई? मैंने कहा जॉन इज अ गुड बॉय, ठीक है? जॉन एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? अ गुड बॉय, राइट? यू आर अस्ट्यूट स्टूडेंट्स, यू आर जीनियस स्टूडेंट्स, यू आर कॉन्सियंशियस स्टूडेंट्स। ये सारे वर्ड्स क्या है जो मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं? ये सब आपकी तारीफ है, राइट? लेकिन तारीफ से बढ़कर अगर हम ग्रामेटिकल जाएं, तो ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं। इंटेलिजेंट, अस्ट्यूट, क्लेवर, राइट, इंजीनियस, ये सारे आपके हैं एडजेक्टिव्स। क्या एडजेक्टिव्स? मैंने कहा ये आपकी तारीफें हैं, तो तारीफ का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी है ना, क्वालिटी। और किसकी क्वालिटी है? आप लोगों की क्वालिटीज हैं, ठीक है? आप लोगों की क्वालिटीज हैं। आप लोग क्या हैं? क्या है आप लोग? आप लोग नाउन्स हैं या आप लोग प्रोनाउन्स हैं, है ना? आप में से किसी का नाम जॉन है, किसी का नाम पीटर है, किसी का नाम अभिषेक, एक्स वाई जेड, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है? लेकिन आप लोग क्या हैं? नाउन्स हैं, राइट? और आप लोग मेरे लिए प्रोनाउन्स भी हो सकते हैं, है ना? तो बस वही तो है, कर क्या रहा हूं, आपकी विशेषता बता रहा हूं, क्वालिटी आपकी बता रहा हूं, राइट? सो
मैंने कहा आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप जीनियस हैं, आप प्रूडेंट हैं, आप डिलिजेंट हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपका डिस्क्रिप्शन। क्या बता रहा हूं? डिस्क्रिप्शन, है ना। अच्छा, कितने लोगों को मेरा ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये पसंद आया है? 4 लोगों को, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोगों को अच्छा लगा? 50 लोगों को। कितने को लगा? 100 लोगों को। कितने भी एक्स वाई जेड, ये जो नंबर है डिटरमाइन कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? 4 people could understand, 50 people could understand, 100 people could understand, है ना। अभी नंबर जब मैं कहता हूं, है ना, मैंने कहा स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, मैंने ये नहीं पूछा कि कैसे स्टूडेंट्स। कैसे पूछता हूं तो मुझे पता चलेगा अच्छे स्टूडेंट्स, तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला कितने, क्वांटिटी क्या है, है ना, डिटरमाइन कीजिए। तो मैंने बोला नंबर, 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स, यानी डिटरमिनर आपका है, ठीक है। डिटरमाइन किया जा रहा है ना, ठीक है, डिटरमाइन किया जा रहा है। हाँ भाई, वो एडजेक्टिव क्या है? तो ये होता है आपका एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और डिटरमिनर्स, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट है भाई? हाँ भाई, वो फर्स्ट स्टूडेंट जो था, वो जो लास्ट स्टूडेंट था, हाँ हाँ, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, वन इटालियन स्टूडेंट, वन फ्रेंच स्टूडेंट, ठीक है, अच्छा, दैट रनिंग स्टूडेंट और द एस्केपिंग स्टूडेंट, ये सारी चीजें क्या है? मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये है आपके डिस्क्रिप्टिव एंड डिटरमिनर, ठीक है। अभी डिटरमिनर की अगर हम बात करें तो डिटरमिनर आपका बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ज्यादा, बहुत टाइप्स के यहाँ पर एडजेक्टिव्स आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनको नहीं कवर करेंगे। इस वीडियो में हम, ठीक है, ब्रीफ में, क्या मतलब डिटेल में देखेंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी ऊपर ऊपर से देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग क्या है और कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम बढ़ेंगे हमारे आर्टिकल्स की तरफ। तो भाई आर्टिकल्स क्या है? हम किसी से पूछते हैं कि आर्टिकल्स क्या है, तो वो बताते हैं ए एन एंड द, है ना, यही है ए एन एंड द। बचपन में सुना होगा टीचर को कहते हुए कि हाँ, an apple, right? But a mango, right? So a and का फर्क कहाँ पर है? क्योंकि apple start होता है a vowel, that is with a, and mango start होता है with a consonant, that is m. तो a and the, ये English language के, ठीक है, important क्या है? एलिमेंट्स हैं ए एंड द, इन पर बेस पे काफी सारे रूल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, ओमिशंस हैं, काफी चीजें, ठीक है, तो इनको भी हम अगली बार कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आर्टिकल्स, ठीक है, 3 होते हैं, मतलब 2 कैटेगरीज के होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट। होते कितने हैं? 3। डेफिनेट यानी जिसके बारे में मैं श्योर हूं, है ना। मैंने कहा आई मेट अ स्टूडेंट who was very fine in study. The student, right, got 100% in English language. तो मैंने कहा the student. अभी ये जो the student है, ये कौन है? Who is this student? वो student जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, है ना? तो definite, क्योंकि मैं इस person के बारे में definite हूं. वैसे ही देखिए indefinite. मैंने कहा I met a student. तो मैंने अ स्टूडेंट क्यों कहा? क्योंकि मैं स्टूडेंट को नहीं जानता, मैं पहली बार उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा अ स्टूडेंट, ठीक है। मैंने कहा वेल आई एट एन एप्पल बिकॉज डॉक्टर टोल्ड मी टू डू सो, राइट, एंड टॉकिंग अबाउट माय क्वालिफिकेशन आई एम एन एमए इन इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पर ना 2 चीजें आपने देखी होंगी, एप्पल एंड एमए इन इंग्लिश, ठीक है, या मैंने सिंपली कहा एन एम ए, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग को यह तो पता है ना कि जो वॉवल से साउंड, जो वॉवल से वर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे देखिए एप्पल ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं, सबको पता है, राइट, ए ई आई ओ यू स्टार्ट हो रहा है ए से, तो मैंने कहा एन एप्पल, ठीक है। लेकिन क्या ये जरूरी है? एम ए है, एम से स्टार्ट हो रहा है, जो आपका वोवल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं एन एम ए, क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं ए एम ए नहीं कह रहा हूं लेकिन कह रहा हूं एन एम ए? बोल के देखिए, इट्स अ चैलेंज टू यू, बोल के देखिए एन एम ए, ए एम ए,
MMA, AMA, a university, a 1 rupee note and 1 rupee note. आपकी जीभ ना लड़खड़ाने लग जाएगी जब आप गलत आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं क्यों ये जो चीजें बनी है ना, ये आपकी कंफर्ट के हिसाब से बनी है ये रूल्स. देखिए, जब आपने कहा एम ए तो साउंड आपका आता है एम, और एम जो ये साउंड है ये स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, एम, ठीक है? वैसे ही क्या यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग तो होता है ये यू से स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करते हैं यूनिवर्सिटी तो साउंड आपका आता है यू, वाई यू, य, राइट, य. अभी य जैसा शब्द या साउंड आपका ए ई आई ओ यू में नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं इसके पीछे एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाऊंगा, अ यूनिवर्सिटी. और जब आप बोलेंगे अभी ना तो आपकी जीभ थोड़ा सा लड़खड़ाएगी, ठीक है? आपके लिए इजी होगा अ यूनिवर्सिटी बोलना ना कि एन यूनिवर्सिटी बोलना. वैसे ही 1 रुपी नोट, ठीक है भाई, 1 रुपी नोट स्टार्ट तो हो रहा है ओ से, तो क्या मुझे एन लगाना चाहिए ए ई आई ओ क्यू ओ यू के हिसाब से? एन 1 रुपी नोट, आप कहने की कोशिश करिए एन 1 रुपी नोट, लड़खड़ा हो गया आप थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन वहीं अगर और बोल देते हैं तो फ्लो में हो जाएगा, अ 1 रुपी नोट, एन 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट, राइट? तो क्यों? क्योंकि जब आप 1 रुपी नोट कहते हैं तो आपका साउंड आता है व, ये वाला, ठीक है? तो यहां से समझ में आया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्ड, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेटर, इट डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट कम्स, ठीक है? जो साउंड आपकी आती है, जो जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करते हैं वो उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है? कि आपको ए लगाना है या एन लगाना है, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक था क्योंकि आज बेसिक्स ही कर रहे हैं, राइट? आपको, ठीक है, आई नीड टू टेल कि व्हाट आर द बेसिक्स, जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो जरूर हेल्प होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है? अच्छा, अभी आर्टिकल्स कर लिए हम लोगों ने, ठीक है? नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा सा रूल्स वगैरह हम लोग देखेंगे. अब हम आते हैं एडवर्ब्स के पास. अब ये एडवर्ब्स क्या होते हैं भाई, ठीक है? एडवर्ब्स देखिए, इसमें वर्ब लगा है, वर्ब भी लगा है, यानी वर्ब से कुछ कनेक्शन होगा, जरूर कनेक्शन है. क्यों कनेक्शन नहीं है? देखिए देखिए, मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है? मैंने कहा fluently, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा English is an easy language, ठीक है? आप में से जिन लोगों के लिए English language easy नहीं है, ठीक है, माफ करिएगा, ठीक है? But this is what the example that came to my mind. वैसे easy है, बहुत ज्यादा easy है English language, ठीक है? Don't at all think it is difficult. Rules कभी कभार tough हो जाएंगे अगर grammar के हिसाब से बात करें तो, लेकिन अगर बोले ना तो बहुत ज्यादा easy है, ठीक है? You can learn it within a, you know, a short span of time, ठीक है? अच्छा, I speak English, मैंने कहा I speak English, मैं English बोलता हूँ. देखिए, I आपका pronoun है, speak आपका verb है, ये तो हमने कर लिए ना, इतने तो हमने कर लिए. इंग्लिश आपका क्या है, एक नाउन है, ठीक है? मैं इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता हूं. अच्छा, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आगे देख रहे हो, फ्लुएंटली, लेकिन मैं कैसे बोलता हूं, मेरे बोलने का तरीका क्या है? फ्लुएंटली, मैं बिल्कुल फ्लॉलेसली एक फ्लुएंट इंग्लिश में बोलता हूं, ठीक है? एक एग्जाम्पल है, तो फ्लुएंटली. अभी इंग्लिश बोलना, ये देखिए कैसे बोला जाता है, ये कैसे बोला गया, ये जो वर्ड है ना, ये इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मुझे बता रहा है ना? तो आपका ये फ्लुएंटली कहलाया जाएगा एडवर्ब, क्योंकि देखिए एडवर्ब मॉडिफाइज व्हाट, वर्ब. वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को आप कहते हैं एडवर्ब. दूसरी चीज क्या हो गई, ठीक है? अच्छा, मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन आई स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. पहले था मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता हूं, लेकिन मैंने फिर कहा मैं इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली कहता हूं, मैंने लगाया वेरी, ठीक है? अब ये जो बहुत का मतलब है ये क्या है, क्या मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत इंग्लिश बोलता हूं? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता हूं, फ्लुएंटली, बहुत फ्लुएंटली. अभी जो बहुत फ्लुएंटली है, ये जो वेरी यहां पर है, जो बहुत है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ड को, कि हां भाई कितना फ्लुएंटली, बहुत फ्लुएंटली. तो देख रहे हो,
एक एडवर्ब दूसरा एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए ये भी एडवर्ब कहलाएगा। तो ये दोनों हमने केसेस देख लिए जहां पर एक एक एडवर्ब वर्ब और एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अब रह गई बात एडजेक्टिव की। हाँ भाई, एडवर्ब एडजेक्टिव्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने कहा इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अच्छा, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, तो ठीक है, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अच्छा ठीक है, यहां पर स्किप हो गया है, तो यहां पर भी मैं लगा लूंगा क्या, मैंने लगाया, यहां पर भी मैं वेरी लगा देता हूं, इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, ये हो गया ना, इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, मैंने कहा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब कैसी लैंग्वेज है भाई, इजी लैंग्वेज है, याद आया, विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो इजी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन भाई मैंने फिर कहा कि इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान भाषा है, लैंग्वेज है, क्या बहुत है, आसान है। तो वेरी यहां पर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, ये वर्ड, तो ये वर्ड आपका हो जाएगा एडवर्ब। तो देखें एडवर्ब, तो तीनों केसेस हमने देख ली कि एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाले शब्द कहलाए जाते हैं आपके एडवर्ब्स। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कंजंक्शंस की तरफ। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्ट है ना, कंजंक्ट से आता है कंजंक्शंस, कंजंक्ट मतलब ज्वाइन करना, ठीक है। सो कंजंक्शंस, अभी कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, आई लाइक और आई स्पीक, मैं कहता हूं, चलो ठीक है, बोलने से ही हम एक यहां पर लगा लेते हैं एक वर्ब, ठीक है। तो मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, है ना। देखो मैं आपको अपने बारे में ना दो फैक्ट्स बताता हूं, फॉर एग्जांपल है, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश आई स्पीक फ्रेंच, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिए, आई स्पीक इंग्लिश आई स्पीक फ्रेंच, लेकिन दो दो सेंटेंसेस बोलने की क्या जरूरत है जब मैं कह सकता हूं आई स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो आप देख रहे हैं ये जो शब्द है एंड, ये दो शब्दों को ज्वाइन कर रहा है, आई स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो बस हो गया ना, वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले शब्द कंजंक्शंस कहलाए जाते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं क्लॉसेस का क्या मतलब है भाई, क्लॉसेस या सेंटेंसेस का। देखिए क्लॉसेस सेंटेंसेस आपका एक ही होता है, फर्क इतना ही होता है कि क्लॉसेस से आपके सेंटेंसेस बनते हैं, ना कि सेंटेंस आपके क्लॉज से बनते हैं, ठीक है, सॉरी, क्लॉसेस आपके सेंटेंस बनाता है, ठीक है, सेंटेंसेस आपके क्लॉज नहीं बनाता है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो तीन क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लॉज आपका एक इंडिविजुअल क्लॉज रह सकता है अपने आप में, ठीक है। अच्छा, सो आई स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये तो हो गया, लेकिन मैं क्या कहता हूं, ठीक है, मैंने कहा आई स्पीक फ्रेंच, है ना, आई स्पीक फ्रेंच, आई डोंट स्पीक स्पेनिश, है ना। एक सेंटेंस में कह रहा हूं कि हाँ भैया आई स्पीक फ्रेंच, असर्टिव सेंटेंस है जहां पर असर्ट कर रहा हूं कि हाँ भैया मैं करता हूं, दूसरी सेंटेंस मेरा नेगेटिव हो गया कि आई डोंट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता। मुझे ये दो फैक्ट्स अलग अलग तरीके से क्या प्रेजेंट करने की आवश्यकता है जब मैं इसको सिंपली कह सकता हूं कि आई स्पीक फ्रेंच, राइट, बट नॉट स्पेनिश, है ना, आई स्पीक फ्रेंच बट नॉट स्पेनिश, कि मैं फ्रेंच बोलता हूं लेकिन स्पेनिश नहीं, बस हो गया। तो देख रहे हैं आप कंजंक्शंस, ठीक है, यूज होते हैं क्लॉज वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। आगे हम क्लॉसेस के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम थोड़ा सा डिटेल में इनको देखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं भाई प्रीपोजिशंस की तरफ, कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, व्हाट आर योर प्रीपोजिशंस। मैंने कहा आई राइट With an expensive pen, मैं एक महंगे पेन से लिखता हूं। अभी मेरे बीच में और इस पेन के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, लिखने का संबंध है, लेकिन अब इस लिखने के और इस पेन के बीच में क्या संबंध है, ये देख रहे हैं, with मेथड है। हा भी आप कैसे लिख रहे हैं, विद द पेन, राइट, मैंने लिखा आई राइट और आई लाइक टू राइट इन ब्लू इंक। अब मुझे पेन से लिखना तो पसंद है, लेकिन कौन सी इंक से,
इन ब्लू इंक, तो आप इन, देखा है कि अभी राइट और ब्लू इंक में क्या फर्क है, मतलब क्या डिफरेंस है, सो यू नो डिफरेंस, क्या एसोसिएशन है, क्या कनेक्शन है, हाँ इन ब्लू इंक, कि ब्लू इंक पे मैं लिखता हूं, राइट, सो दिस इज योर मेथड. लोकेशन, हेलो वेयर आई एम राइट नाउ, आई एम इन स्टूडियो, मैं कहा हूं इस वक्त, मैं हमारे ऑफिस के एक स्टूडियो में हूं, राइट, सो वेयर आई एम, लोकेशन है मेरी इन स्टूडियो, ठीक है, इन स्टूडियो, है ना, कई बार बोलते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, हाँ भाई बताओ कहाँ हो, मैं वहां आ जाता हूं, है ना, बता भाई कहाँ है, मैं वहां आता हूं, है ना, सो हाँ कहाँ हो तुम, I am at XYZ or I am in XYZ or I am on XYZ, right? So this is your location. Okay. How are you traveling? I'm traveling by bus, right? When you travel on train, ये क्या शब्द है on by? ये सारे आपके preposition हैं. अच्छा, you travel in car or you travel on car? I travel in car, but I travel on plane. दोनों से तो आप ट्रैवल करते हैं, कार से भी आप ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से भी, प्लेन से भी आप ट्रैवल करते हैं, लेकिन किसी के आप ऊपर ट्रैवल करते हैं और किसी के अंदर आप ट्रैवल करते हैं, ये क्या बात हो गई, इन ट्रैवल एंड ऑन ट्रैवल फर्क क्या होता है, कार जैसी ये कार हो गई सपोज, है ना, और ये आपकी ट्रेन हो गई, ठीक है, है ना, यू ट्रैवल इन a car, right? क्यों? And you travel on a train. तो फर्क क्या है? क्यों एक में in, एक में on? क्या फर्क है भाई English language का? क्या ये scene है? ठीक है? कार में जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को श्रिंक करते हैं, आप अपने आप को एक तरीके से मोल्ड करते हैं, है ना, इस तरीके से झुकते हुए आप कार के अंदर बैठते हैं. लेकिन क्या जब आप ट्रेन में जाते हैं तो क्या आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे श्रिंक होके जाते हैं क्या? नहीं, आप बिल्कुल आराम से जाते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेस, बट समटाइम्स बिकॉज सीइंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, आपने देखा होगा मुंबई जैसे शहरों में आपको सिकुड़ना जरूर पड़ता है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे जाके आपको, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, सो यू हैव टू गो थ्रू द क्राउड, है ना, तो आपको श्रिंक होना पड़ता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेन में बिल्कुल अपने आपको, ठीक है, श्रिंक करके आपको बैठना पड़ता, नहीं, तो जहां पर आपको अपने आपको, ठीक है, बिल्कुल काइंड ऑफ अ मोल्ड करने की आपको जरूरत है, ठीक है, झुक करके आपको बैठने की जरूरत है, वहां पर आप इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इन, लेकिन जहां पर यू कैन गो फ्रीली, वे यू कैन वॉक, जहां पर आपको अपना हेड झुकाने की जरूरत नहीं है, या जहां पर आप खड़े हो सकते हैं, कार में आप पूरे खड़े नहीं हो सकते, सर लग जाएगा आपका रूफ पे, है ना, तो वहां पर आप ऑन लगाएंगे, सो दिस इज अ डिफरेंस. तो प्रीपोजिशंस में हम यही सीखेंगे, डे टाइम, आई एम सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब हम लाइव आते हैं तो हम कहते हैं ना कि आई कम लाइव ऑन मंडे, आई कम लाइव ऑन ट्यूजडे, आई कम लाइव ऑन ट्यूजडे एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, टाइम डेट बताया जा रहा है मुझे, ये सारी एट इन ऑन दिस आर ऑल योर प्रपोजिशन जो हमें टाइम डे लोकेशन मेथड के बारे में बताता है. समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. अच्छा, अब लास्ट आपका है इंटरजंक्शंस. अभी इंटरजंक्शंस क्या होते हैं भाई? अरे वाओ, समझ में आ गया आपको? हाँ यार, समझ में आ गया. ठीक है, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, अलास आई कुडंट डू इट, आई कुडंट पास द एग्जाम, हुर्रे आई पास द एग्जाम, ये सारे शब्द क्या है? हुर्रे, अलास, वाओ, ये, राइट, यक, आई डोंट लाइक इट, राइट, वाओ, आई लाइक इट, ठीक है, ये क्या शब्द हैं? आप देख रहे हैं मेरे फेस का एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है? ये मेरी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, है ना, मेरी फीलिंग्स प्रकट कर रहे हैं. तो यही आपके इंटरजंक्शंस होते हैं, जो क्या कहते हैं, आपके एक्सक्लेमेशंस, जो ये है एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, एक्सक्लेमेशन ऑफ सोरो, एक्सक्लेमेशन ऑफ अप्लॉस, ठीक है, ये सारे क्या है, आपके एक्सक्लेमेशंस, आपकी भावनाएं हैं, ठीक है, इनका मतलब कुछ नहीं होता है. हुर्रे शब्द का क्या मतलब हो गया, ये का क्या मतलब हो गया, यक का क्या मतलब हो गया, ये कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं है, इनका कुछ मतलब नहीं होता, ये बस आपकी भावनाएं, अपने आप निकल जाता है मुंह से. अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग आपके एक्सक्लेमेशंस होंगे, ठीक है, इंग्लिश में आप कुछ और यूज करते हैं, हिंदी में आप यूज कुछ और करेंगे, हिंदी में आप अलास का, अलास शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, ब्राओ का शब्द, ब्राओ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हुर्रे का नहीं करते, ये सारे आपके इंग्लिश में होते हैं, लेकिन वही हिंदी के कुछ अपने यूसेज हैं, तो ये लैंग्वेज पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसलिए है वेरी एज पर लैंग्वेज, राइट,
यहां पर आज की ये जो वीडियो है ये मैं खत्म यहां पर आज करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इनकेस यू डोंट नो या आपको अगर ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये आपका टियर टू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, ठीक है। इसके बिना, ठीक है, क्वालिफाई नहीं होंगे आप, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस केस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड डू नॉट वरी इफ योर इंग्लिश यू नो लाइक लैंग्वेज aspect these are weak, so don't worry, yahan par I am going to do, you are going to do with me everything, we are going to cover all the basic things, theek hai। So in the upcoming videos, ab se jo videos hongi wo lagatar upload hoti jayengi, theek hai, alternate days ya fir roz hoti jayengi। You stay tuned to the channel, you please subscribe taki aapke paas notifications aaye। To in the upcoming videos aapko main bataunga types of each part of speech, aaj nouns padha, adjectives padha, verbs padha, pronouns padha, lekin kitne types ke hote hain ये भी हम आने वाले वीडियोस में जरूर देखेंगे, ठीक है। सो आप सभी का थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, इन केस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज राइट इन द कमेंट्स दैट इन व्हाट वे डिड दिस वीडियो हेल्प यू, राइट। किस तरीके से इस वीडियो ने आपकी मदद की, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद की, राइट। एंड इफ यू लाइक इट, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर वॉचिंग द वीडियोस, दिस काइंड ऑफ वीडियोस इन फ्यूचर एज वेल। सो थैंक यू सो मच अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। Bye-bye.